नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके लिए कुछ फेमस राइटर्स के कोट्स जो है लेकर चल रहे हैं। पहला कोट है, वुमेन इज द अर्थ एयर ईथर साउंड, वुमेन इज द माइक्रोकॉज्म ऑफ माइंड। ये कोटेशन राजा राव का दिया हुआ है। सेकंड कोटेशन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ये जान कीट्स का दिया हुआ कोटेशन है। थर्ड कोटेशन है, वुड रीडली टेक देम एज द वर्क ऑफ एन इंग्लिश पोइट ट्रेंड इन द क्लासिकल ट्रेडिशन, ये जॉर्ज सैम्पसन ने मनोहर घोष जो एक इंडियन ऑथर हैं उनके बारे में कहा है। फोर्थ कोटेशन है, ऑल द लाइफ ऑफ द टिनी फिगर सेम्ड टू कॉन्सेंट्रेट इट सेल्फ इन द आइज दे टर्नड टूवर्ड्स ब्यूटी एज द सन फ्लावर टर्न्स टूवर्ड्स द सन। ये आर्थर मिलर ने इंडियन पोएटेस सरोजिनी नायडू के बारे में कहा है। फिफ्थ कोटेशन है, लिप ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड अस वी कैन मेक अवर लाइफ सबलाइम एंड डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस फुट प्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम। ये एच डब्ल्यू लॉन्ग फेलो का कोटेशन है। अगला कोटेशन नंबर सिक्स, दाउ लेस्ट दाई फिंगर ऑन द लिप्स ऑफ केयर एंड दे कंप्लेन नो मोर, ये हेनरी वर्ड्सवर्थ का कोटेशन है। इसमें दाउ का मीन्स नाइट से है, नाइट को इसमें रिफ़र किया गया है। इसमें पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच भी होगा। अगला सेवन नंबर कोट है, द अनफिनिश्ड विंडो इन अलादीन्स टावर अनफिनिश्ड मस्ट रिमेन, ये हेनरी वर्ड्सवर्थ का कोटेशन है। कोटेशन नंबर एट है, मॉर्न ऑन द माउंटेन लाइक ए समर बर्ड लिफ्ट्स अप हर पर्पल विंग, ये एच डब्ल्यू लॉन्ग फेलो का कोटेशन है। कोटेशन नंबर नाइन, आई गिव नथिंग एज ड्यूटीज व्हाट अदर गिव एज ड्यूटीज आई गिव्स एज लविंग इम्पल्सेज, ये अमेरिकन पोएट वाल्ट विटमैन का कोटेशन ये भी है। कोटेशन नंबर टेन है, आई फर्निश नो स्पेसिमेन आई शॉवर देम बाई एग्जास्टलेस लॉज फ्रेश एंड मॉडर्न कंटिन्यूली एज नेचर डज, ये वाल्ट विटमैन का कोटेशन है। कोटेशन नंबर 11, ही लॉसेज अवर सेम्पथी इन द कैरेक्टर ऑफ ए पोएट बाई अट्रैक्टिंग टू मच अटेंशन दैट ऑफ ए बुल इन अ चाइना शिप शॉप, यह जो है स्टीवेंसन ने वाल्ट विटमैन के बारे में कहा है। अगला कोट है, सम थिंग्स वी मिस नॉट बिकॉज अवर आइज आर नॉट क्लियर इनफ बट बिकॉज द डे लाइट इज टू ब्लाइंडिंग, ये हॉथर्न का कोट है। कोट नंबर 13, ग्रीक हेड ऑन द राइट यांकी सोल्जर, ये लॉवेल ने राल्फ वाल्डो इमर्सन जो कि अमेरिकन एसेइस्ट हैं जिन्होंने द स्कॉलर एसे लिखा है उनके बारे में लॉवेल ने बोला है। अगला है, लिव स्ट्रेंड एंड यू विल थिंक स्ट्रेट, लिव स्ट्रेट एंड यू विल थिंक स्ट्रेट, ये भी राल्फ वाल्डो इमर्सन जो कि अमेरिका के राइटर हैं उन्होंने जो है इस कोटेशन को लिखा है। मित्रों, यदि आपको जो है ये कोटेशंस अच्छे लगे हों तो कृपया कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इंस्पायर करें जिससे आप लोगों के लिए हम और वीडियो बना सकें। धन्यवाद।